देश में नोवल कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम के चलते रविवार सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक एक दिन का जनता कर्फ्यू कर लोगों को घरों में रहने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो वहीं इस अपील को अमल करते हुए बिलासपुर की जनता ने अपने घरों में ही अपने आप को बंद रखा। जहां एक ओर बिलासपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कें सुनसान दिखाई दी, तो वहीं चंडीगढ़ मनाली और शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर केवल पुलिसकर्मी ही अपनी ड्यूटी पर तैनात नजर आए। जनता कर्फ्यू के दौरान शहर के पार्कों में सन्नाटा पसरा रहा, तो साथ ही बस स्टैंड पर भी कोई भी यात्री नजर नहीं आया। जबकि शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर दूर दूर तक दुकानें बंद नजर आई। बिलासपुर बस अड्डे के सहायक प्रभारी व हिमाचल पथ परिवहन निगम बिलासपुर के उप निरीक्षक लेखराज ने बताया कि रविवार सुबह से ही प्राइवेट बस सहित पथ परिवहन निगम की कोई भी बस रूट पर नहीं चलाई गई और ना ही सुबह कोई यात्री बस अड्डे पहुंचा है, जिससे साफ होता है कि लोगों ने जनता कर्फ्यू का भरपूर समर्थन किया है और कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को भी वे तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की है, तो आज बस स्टैंड बिलासपुर में उसका लोगों द्वारा जागरूक पूरा सहयोग किया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें पूरी तरह से बंद की गई हैं इस जागरूकता के कारण, और बस स्टैंड में आज कोई भी व्यक्ति जो है नहीं है, और लोगों द्वारा इसका पूरा सहयोग किया जा रहा है। और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें तथा निजी बसें आज पूर्ण तरह से बंद है और जनता कर्फ्यू का पूरा पालन किया जा रहा है। धन्यवाद। हम ये जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, इन्होंने ये जो जनता कर्फ्यू का अपील की है, इससे हम पूरी तरह खुश हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो कोरोना की विषम महामारी है, इससे जागरूक करके हम सब इससे निपटने के पूरा सहयोग कर रहे हैं और इससे पूरी जनता जो है बहुत खुश है।